मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय हेल्थ फैशन एंड ब्यूटी चैनल। मैं अपने इस चैनल में आपके लिए हेल्थ के अबाउट, फैशन के अबाउट और ब्यूटी टिप्स लाता रहता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो वुमेन, स्पेशली जो लड़कियां हैं, वो अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना कैसे रख सकती हैं विदाउट एनी मोर स्ट्रगल, वो सिर्फ और सिर्फ वर्जिश से। ख्वातीन को चाहिए कि अपने जिस्म को मतनासब और खूबसूरत बनाने के लिए वर्जिश जरूर करें। वर्जिश का मकसद जिस्म को चाको चौबंद बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता चलने के बजाय अगर तेज चला जाए तो ये बड़ी अच्छी वर्जिश है। करीब ही कहीं जाना है तो सवारी इस्तेमाल ना करें, पैदल चलें और लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ने को तरजीह दें। अगर कोई खास बात ना हो तो चीजों को धकेलने या घसीटने की बजाय उठाकर रखें। यहां तक कि हर रोज गुसल के बाद तौलिए से बदन साफ करना भी एक वर्जिश है। बदन को तौलिए से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना चाहिए, इससे रगों, नसों और पट्ठों में खून की गर्दिश तेज होती है और मुसामात साफ होते हैं। कुर्सी या बेंच पर बैठने के अलावा आप इनसे अपने अजलात को मजबूत बनाने का काम भी ले सकती हैं। गर्दन झुकाकर ना बैठें, कमर को सीधा रखें, सर, कमर, कंधों और बाजों के पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए तन कर बैठना चाहिए। दोनों हाथों की हथेलियों को मेज पर रखकर कोहनियों को झुकाएं और फिर हाथों पर इस तरह बोझ डालें कि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगे। थोड़ी देर बाजुओं पर बोझ पड़ा रहने दें, ये भी एक तरह की वर्जिश है। दिन में 2-3 बार ऐसा जरूर करें। बैठे बैठे या लेटे लेटे अपने पेट के अजलात को अकड़ाएं, इनमें तनाव पैदा करें और इसमें तनाव को चंद सेकेंड कायम रखें, ये भी एक बहुत मुफीद वर्जिश है। चलें तो तन कर चलें, बैठें तो तन कर बैठें और हमेशा ये कोशिश करें कि आप चाको चौबंद दिखाई दें। वो खवातीन जो अंधाधुंध खाती हैं और वर्जिश नहीं करती, वो मोटी और बद्दी हो जाती हैं और इनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं और कुछ एहतियातें, अगर आप बरतेंगी तो इंशाल्लाह आपका जो वेट होगा वो भी कम होगा, मोटापे से भी आपको हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी बहुत मजे की बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी और ऐसी टिप्स और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।